नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPL इलेक्ट्रिकल लर्निंग के ऊपर। मैं जगतपाल सिंह आज आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे पावर फैक्टर अगर वीक हो तो उसको किस प्रकार इम्प्रूवमेंट करें। हम एक फैक्ट्री में आए हुए हैं, वहाँ पे पावर फैक्टर वीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि किस प्रकार हम इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, इसके कैपेसिटर वगैरह किस प्रकार चेक करने हैं, इसको किस प्रकार सेट करना है, किसके अंदर कितने कैपेसिटर लगेंगे तब ये सेट होगा, अपना 0.99 आएगा। अभी इस करंट पोजीशन के अंदर पावर फैक्टर कितना आ रहा है मैन मीटर के अंदर चेक कर लेते हैं। पहले तो पावर फैक्टर मैन मीटर में किस प्रकार चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप देखिए आप। पीएफ फर्स्ट है तो 25, पीएफ टू है तो 55 और पीएफ थ्री 12 आ रहा है, ठीक है, और इसका एवरेज है वो 31-32 के समथिंग आ रहा है, ठीक है, जो कि पावर फैक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत वीक है। कम से कम 0.9 ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, एक आए तो बहुत बढ़िया है, 0.9 तो होना ही चाहिए। अब इसको किस प्रकार इम्प्रूवमेंट करेंगे, पहले इसके जो कॉन्टैक्टर लगे हैं उनके ऊपर जो कैपेसिटर लगे हैं उनको चेक करते हैं। चलो ठीक है, दोबारा पैनल पर चलते हैं। स्विच लगे हैं, ये मैनुअली है सारे के सारे, ठीक है, ये नीचे वाले जो स्विच है इसमें मैनुअली है। आइए देखिए, अंदर आइए आप, यहाँ पर ये एमसीबी है, ये कॉन्टैक्टर है हमारे, ठीक है, और इनके जो कैपेसिटर है वो इनके बैक साइड में लगाए हुए हैं कम्प्लीटली, ये पूरा पावर बैंक है। अब आपको मैन्युअली दिखाएंगे हम एक एक कैपेसिटर चेक कर एक एक कॉन्टैक्टर में किस प्रकार कॉन्टैक्टर चेक करते हैं। ये हमारे पास डिजिटल मीटर है, इसको हम एम्पेयर पे कर लिया इसको, ठीक है, 200 एम्पेयर के ऊपर। अब इसको यहाँ से ये देखिए मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑन करेंगे, जिस प्रकार ये है इसको ऑन करेंगे यहाँ से, हम मैन्युअली चलाएंगे इस कॉन्टैक्टर को। ये देखिए यहाँ पे पास लेना फोन को, ये देखिए ऑन हो गया है, ये एम्पेयर के ऊपर किया डिजिटल मीटर को, और इसके जो वायर है जैसे कि ये लगे हुए इसको चेक करते हैं, इसके अंदर कोई एम्पेयर नहीं आ रहा है, इसका दूसरा लेते हैं, इसके अंदर भी नहीं आ रहा है, इसका तीसरा लेते हैं, इसके अंदर आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, तो मतलब ये खराब है कैपेसिटर, इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको बंद करते हैं, इसको बंद कर दिया, इसके एमसीबी काट देते हैं, ये खराब है एक। अब दूसरा चेक करते हैं, ठीक है, अब ना ये ऑन हो गया, ठीक है, इसको भी इसी प्रकार एम्पेयर के ऊपर किया, इसी प्रकार चेक करते हैं, दिखाना जीरो है ये भी, ये 61 आ रहा है, मतलब ये भी खराब है, ये भी हमारा खराब है, इसके ऊपर क्या क्या 25 के वीआर के लगाए हैं एम्पेयर सही नहीं आ रहा, ये भी खराब है, तो इसको भी अब वापस बंद कर देते हैं और इसकी भी एमसीबी गिरा देते हैं, ठीक है, दो हो गए। अब इसको चेक करते हैं, इसको इस कॉन्टैक्टर को ऑन हो गया, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये ठीक है, एक में एम्पेयर आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, मतलब ठीक है ये ठीक है। इसी प्रकार इस जो नेक्स्ट है इसको चेक करते हैं, इस वाले को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब आगे वाले को चेक करते हैं, ये ऑन हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। इनके ऊपर क्या है, 5-5 से अच्छे अच्छे के कैपेसिटर लगाए गए हैं, और ये जो बड़े वाले इनके ऊपर हमने 25 के वीआर के लगा रखे हैं। अब आपको पीछे से इसका पावर बैंक दिखा देते हैं। अब आपको मैं हमने बताया कि कैपेसिटर किस प्रकार चेक करते हैं, कॉन्टैक्टर को मैन्युअली किया चेक किए। अब इसके जो कैपेसिटर है जो पीछे लगे हुए हैं इसके पैनल के, हम आपको वो दिखाते हैं, उनको किस प्रकार चेंज करना है वो भी आपको बताएंगे। इसका जो पावर है उसको पावर को काटेंगे पहले तो, ठीक है, इसके पावर को काट देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पावर को काटा, पावर को काट दिया है। अब इसके जो कैपेसिटर वगैरह उनको चेक करते हैं, ठीक, अब ये इसकी बस बार है और ये कैपेसिटर लगाए हुए नीचे, ये देखिए 6 कैपेसिटर इसके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर 6 कैपेसिटर इस बॉक्स के अंदर है, और 3
नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो ये ऊपर वाले थे, ये इनमें से पांच कैपेसिटर खराब है अपने, ठीक है। इनमें एक ये वाला कैपेसिटर खराब है, बीच वाला, और एक ये खराब है, दो कैपेसिटर इसमें खराब है। तो इनको यहां से, ये तीन वायर हैं, इनको यहां से खोल के दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे इनके ऊपर, दूसरे कैपेसिटर। तो किसका है ये देखिए, ये नया कैपेसिटर इसको लगा देंगे। ठीक है, इसके कैपेसिटर वगैरह हमने कंप्लीटली चेंज कर दिए, तो खराब थे। ठीक है, अब इसको लोड देते हैं, मशीनें वगैरह चलाते हैं, इसके बाद में इसको चेक करते हैं कितना एम्पीयर वगैरह आ रहा है इसके अंदर, कर देखते हैं। ये कौन हो चुका है, 0.987, पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं था, 0.27 के लगभग था, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर बहुत ज़्यादा ख़राब थे, कम से कम इसके अंदर 7 या 8 कैपेसिटर ख़राब थे, 25 kVAr का एक कैपेसिटर था। अब ये देखिए 0.991, ठीक है जी, चेक करते हैं आपको। ये तो अपना मैन मीटर इस फैक्ट्री का, उसके अंदर चेक करते हैं मैन मीटर के अंदर करंट में कितना आ रहा है अभी चालू लोड के अंदर। -99, माइनस में है अभी, ये देखिए प्लस में आ चुका है 999, तीनों फेस के अंदर 0.999। ठीक है, कंप्लीट इम्प्रूवमेंट हो चुका है, पहले तो बहुत कम था, अब कंप्लीट इम्प्रूवमेंट हो चुका है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।